थ्री थ्योरम का ही सब पार्ट है, ठीक है। क्या कहता है, ये भी बहुत काम आती है, थ्योरम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट मेड बाय एन आर्क आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट मेड बाय एन आर्क आर इक्वल। इसका कहने का मतलब क्या है, ये एक सर्कल है, ये एक आर्क है ए बी, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं ताकि मैं सेगमेंट को फर्क कर दूं, ये कौन सा सेगमेंट मेजर, ये कौन सा सेगमेंट। तो एक सेगमेंट में जो भी आर्क बनेगी और जो भी एंगल्स बनेंगे एक आर्क के द्वारा वो सारे एंगल सेम होंगे। मतलब ये अगर सेगमेंट, ये आर्क ये एंगल बना रही है, 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 अब कितनी हैरानी की बात है कि ये सारे सेम है। लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा, सॉरी कैसे, अब इसका प्रूफ बताऊं, अब हैरान हो जाओ, ये देखिए, ये ए बी आर्क है, ये सेंटर है, ये एक एंगल है, ये इसी आर्क के द्वारा दूसरा एंगल है, इसको लो थीटा वन, इसको लो थीटा थ्री। अब यूजिंग द प्रीवियस प्रूफ, थीटा थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, टू टाइम्स, और थीटा थ्री ही टू टाइम्स, क्यों, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द रिमेनिंग, तो दोनों थीटा थ्री बराबर होंगे, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टू टाइम्स थीटा वन इज इक्वल टू टू, टू कट गया तो थीटा वन इज इक्वल टू टू, हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए। तो एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय बाय एनी कॉर्ड या बाय एनी आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इन द सेम सेगमेंट, ये नहीं है एक मेजर में और एक माइनर में हो, जहां सारे के सारे एंगल कहां होने चाहिए, मेजर में या सारे के सारे, तो वो क्या होंगे। अब इसी का अगला प्रूफ, एक और रिजल्ट इसी के साथ चलाता हूं, आई शुड बहुत छोटा रिजल्ट है, जैसे ये तो मैंने इसको बहुत प्रूफ में नहीं किया, आप प्रूफ समझ चुके, आप ये प्रूफ कर सकते हो। अब अगला रिजल्ट, एंगल मेड बाय सेम आर्क एंगल्स, एंगल्स मेड बाय सेम आर्क इन मेजर एंड माइनर सेगमेंट आर फिल इन द ब्लैंक, ये अभी आप लोग सोच के बताने की कोशिश करो। ये फिगर है, ये आर्क कौन सी है, ए बी कॉर्ड कह लो या ए बी आर्क कह लो, ये इसने मेजर सेगमेंट में एंगल बनाया थीटा वन, ये माइनर में बनाया थीटा टू, बताओ इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 प्लस 180 एक्सीलेंट अमेजिंग ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पता है कि नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ा अभी तक, माय मिस्टेक सर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर टच करें, देख रहे हो चारों के चारों वर्टिसेस किस पे टच कर रहे हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा बनेंगे। तो एंगल ने, आर्क ने एक एंगल कहां बनाया, मेजर आर्क पे, दूसरा एंगल कहां बनाया, माइनर आर्क पे, तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, थीटा वन प्लस थीटा टू इज 180 डिग्री, समझ आ गए, इज दैट क्लियर, थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल्स टू, यहीं से एक और तीसरा रिजल्ट, सही है, यहीं से तीसरा रिजल्ट, मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूं, एम आई विजिबल एट दिस, अब ध्यान से देखिए,
एंगल सबटेंडेड इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. याद है मैंने एक फिगर पे कहा था कि ये फिगर के लिए थ्योरम बनेगी, जब तीन फिगर बनाई थी ब्लू पेन से पिछली थ्योरम में, सेंट्रल फिगर को मैंने कहा था वही ऐसे थी. ये क्या है मेरा, एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में अगर एक भी एंगल सबटेंड कर दो ये हमेशा 90 डिग्री होगा. कैसे, ये कैसे, इसका प्रूफ समझिए. ए ओ बी इज टू टाइम्स एंगल ए सी बी, ये एंगल इस एंगल के दुगना है कि नहीं है, बोलो कौन सी थ्योरम, पिछली, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द रिमेनिंग सर्कल. तो ये एंगल कितना है, कोई डाउट तो नहीं, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एक एंगल है तो मैं एंगल्स वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं करूंगा एंगल्स मे, एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन. तो एओबी कितना आ गया, 2 × ये 2 इधर आगे क्या हो गया, तो एसी भी कितना आया, 90. तो याद रखना है सेमी सर्कल में हमेशा एंगल क्या बनेगा, 90. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसी एक ही थ्योरम के तीन रिजल्ट, चार रिजल्ट, एक एंगल एट द सेंटर इज डबल एट द एंगल रिमेनिंग सर्कल, दूसरा रिजल्ट एंगल मेड बाय द सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तीसरा रिजल्ट एंगल मेड बाय द सेम आर्क इन मेजर एंड माइनर सेगमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री, एंड द लास्ट रिजल्ट इज एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल इज अ, समझ आ गया सबको, कोई डाउट एनीबडी बता दो, कोई डाउट है किसी तरह का, श्योर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन.